हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल्स किचन एक्सप्रेस। आज हम घर की मलाई से देसी घी बनाने का तरीका आपको बताते हैं। बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही इजी तरीके से ये घी बन जाता है। हमने यहाँ पर 20 दिन की स्टोर की हुई मलाई ली है। दूध को गर्म करने के बाद जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में से दूध को निकालेंगे आप तो दूध के ऊपर मलाई की एक थिक लेयर जम जाती है। इस लेयर को आपको स्पून की मदद से एक कंटेनर में रख लेना है, फिर इसे फ्रिज में स्टोर कर लेना है। इसी तरह हमने ये 20 दिन तक स्टोर करके 20 दिन की मलाई ली हुई है। इस तरह से आपको मलाई को हाथ की मदद से फेंटते रहना है। जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाओगे, ये एकदम थिक होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये मलाई में से माखन निकल गया है हमारा। इसमें हमने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लेंगे ताकि हमारा माखन अच्छे से निकाल सके हम। हमने एक बर्तन में पानी ले लेना है, फिर इस तरह से माखन को निकाल निकाल कर उस पानी में हमने डाल देना है। सारा माखन निकल गया है। अब हम इसे इसमें से पानी वाले कंटेनर में से निकाल के इसे कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई को हमने गर्म करके रखा है, उस कढ़ाई में माखन डाल देंगे। हमने इसे बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि नीचे कढ़ाई में चिपक ना जाए। आप देख सकते हैं हमारा घी तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे छानकर एक कंटेनर में भर देंगे। घी ठंडा हो गया है, आइए हम इसे छान लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है घर की मलाई से बना हुआ देसी घी। आप
आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।